माई ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माई चैनल कृष्णा रॉय मल्लिक। दोस्तों, आज का वीडियो है एक स्किन केयर अवेयरनेस वीडियो, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ 4 आइटम्स जिसपे आपका जो हर्ड अर्न मनी है कभी भी स्पेंड नहीं करना चाहिए। ये 4 आइटम्स अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, आपका कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आप अगर आप देखोगे, देन डू नॉट स्पेंड योर मनी ऑन दोज आइटम्स। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो वो 4 आइटम्स क्या है जो देख के आपको ना ना बोलना है? देन कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, और उसके बाजू में टिंग टोंग बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। और आप क्या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, देन दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, गो एंड चेक इट आउट। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको देखना है इंग्रेडिएंट्स क्या है जो आप खरीद रहे हो। मतलब अगर आप कोई सपोज मॉइस्चराइज़र खरीद रहे हो, तो आपको मॉइस्चराइज़र खरीदने से पहले आपको उसके पीछे देखना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है उसमें। साइंटिफिक नेम होगा या फिर हर्बल नेम होगा, कुछ भी होगा, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स में से सिर्फ 1 और 2 नेम मेंशन किया हुआ रहता है और कभी भी नहीं भी होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है, हमारे स्किन पे सूट करेगा या नहीं, और क्या हार्मफुल चीज़ें हैं। लाइक यू नेवर नो हाउ इट कैन रिएक्ट विथ योर स्किन। तो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, और इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, देन यू विल नो, देन ओके, ये बहुत क्लियर एक पिक्चर व्यू देता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है। और अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो प्रोडक्ट और उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं मेंशन किया हुआ है, देन आई विल से डोंट गो फॉर इट। और फिजिकली आप चेक करके देखिए कि उस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स क्या है मार्केट में, उसके बाद ही आप खरीद सकते हो। बट प्लीज़ गाइज, सी द इंग्रेडिएंट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 इज़ द प्रोडक्ट शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक। नॉन कॉमेडोजेनिक मतलब वो प्रोडक्ट आपके स्किन के पोर के अंदर जाके वो पोर क्लॉग नहीं करना है। मतलब वो पोर जो है, स्किन पोर्स जो है, उसको ब्लॉक नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होता है स्किन केयर मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन, स्पेशली मेकअप प्रोडक्ट, जिसमें पेट्रोलेटम नाम का एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो मेनली इन क्लींजर में रहता है, एंड लेनोलिन जो मॉइस्चराइजर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कॉमेडोजेनिक होता है और हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और हार्मफुल इसलिए होता है कि हमारे स्किन पोर्स के अंदर चला जाता है, वो ब्लॉक कर देता है, और जब भी हमारा स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है, वो अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाता है, उसका जो टॉक्सिन्स है बाहर निकल के नहीं आता है, तो क्या होता है, पिम्पल। सो पिम्पल्स, एक्ने, सिस्टिक एक्ने, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएगा, आपका स्किन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ आप देखिए प्रोडक्ट्स में नॉन कॉमेडोजेनिक वो मेंशन भी होता है आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, ये नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन और क्लींजर, और ये जो मैंने बोला है जो 2 इंग्रेडिएंट्स पेट्रोलेटम एंड लेनोलिन, ये है या नहीं प्लीज़ चेक कीजिए बिफोर बाइंग दैट प्रोडक्ट। अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, देन प्लीज़ डू नॉट बाय दोज प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों पॉइंट मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए और बाकी सबके लिए, देन हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट कीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 3, जहाँ पे मैं भी थोड़ा कमजोर पड़ जाती हूँ चीज़ें खरीदने के टाइम पे, वो है स्मेल। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं उसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, तो वी फील लाइक ओ माय गॉड, इट फील्स लाइक हेवन, इट फील्स सो गुड। तो प्लीज़ ये खरीद लो, मैं भी काफ़ी बैग जाती हूँ उस स्मेल से। लेकिन आपको ये देखना है वो नेचुरल स्मेल है या वो केमिकल है जो उसमें से अच्छा स्मेल बनाने के लिए वो केमिकल यूज़ किया गया है, क्योंकि स्मेल हमारे स्किन के लिए बहुत इरिटेशन क्रिएट कर सकता है। तो अगर इंग्रेडिएंट्स में आप देखोगे कि फ्रेग्रेंस, ये एक्स्ट्रा एक वर्ड है उसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस क्रिएट किया हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें लिखा होता है कि नो एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस और नो कलर्स। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको देखना है खरीदने से पहले। अगर प्रोडक्ट्स में से फ्रेग्रेंस ऐड किया हुआ है, देन यू विल गेट टू नो कि
इसमें एक्स्ट्रा स्मेल है जो आपकी स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। सो मुझे पता है बहुत टेम्पटेटिंग होता है अच्छा स्मेल, प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ एवरीबडी इज गोइंग गागा अबाउट दिस टू थिंग्स, दैट इज SLS एंड पैराबेन। ये दोनों चीज़ें हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है एंड स्किन कैंसर क्रिएट कर सकता है ये दोनों प्रोडक्ट। तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके अंदर SLS है या नहीं, पैराबेन है या नहीं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट है देन प्लीज़ ये मत खरीदीजिए, उसमें आपका जो मेहनत का कमाई है वो प्लीज़ उसमें खर्चा मत कीजिए, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एंड आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए एज वेल एज मेरे लिए भी, जानना कि कौन सी चीज़ पे हमें पैसा खर्चना नहीं चाहिए और हम जो खरीद रहे हैं वो हमारे स्किन के लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। आई होप ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहा होगा, है कि नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है और दिस इज़ वर्थ वॉचिंग दिस वीडियो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एम करते हैं 200 लाइक्स का, कोई बात नहीं। अगर ये वीडियो देख रहे हो देन लाइक कर दो, हो जाएगा 200 लाइक। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि अगर आपका फ्रेंड कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ये सारी चीज़ें उनको दिमाग में रखना चाहिए। So friends, that's all about today's video. See you in my next video. Till then, be happy, be confident, and keep smiling. Bye-bye.